वेलकम, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और आज का बॉलीवुड गपशप होने वाला है एकदम आपकी तरफ, अरे मतलब एकदम खास। और क्यों होने वाला है ये खास, ये भी बताते हैं आपको, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन स्टारर मूवी मिमी की। कैसी है फिल्म और क्या है फिल्म की कहानी, मतलब मिमी का फुल पैकेज, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक लंबे समय से कृति सैनन की लीड रोल वाली फिल्म मिमी काफी सुर्खियों में थी। वैसे तो ये फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होनी थी, लेकिन ये 26 जुलाई की सुबह ऑनलाइन लीक हो गई, जिसकी वजह से आनंद फानन में मेकर्स ने इसे 26 जुलाई की शाम को ही ऑनलाइन रिलीज कर दिया। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म सैरोगेसी के टॉपिक पर बनी है, क्योंकि वो भी एक टाइम था जब इंडिया देशों में सैरोगेसी का एक अड्डा बन गया था और यहाँ किराए की कोख एक व्यापार बन गया था। और मिमी में इसी मुद्दे को थोड़ा सा इमोशनल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। अब आइए आपको बताते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है इंडिया में आए एक अमेरिकन कपल जॉन और सिमर से, जिनका ड्राइवर है भानु यानी की पंकज त्रिपाठी। वहीं राजस्थान के एक छोटे से शहर में मिमी यानी कि कृति सैनन एक प्रोफेशनल डांसर है। उनका सपना बॉलीवुड में हीरोइन बनने का है और वो किसी भी तरह से 5 लाख रुपए का इंतजाम करके मुंबई जाना चाहती है। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब कि इसी बीच टूरिस्ट ड्राइवर भानु यानी कि पंकज त्रिपाठी उसे एक ऑफर देता है कि एक अमेरिकन कपल सैरोगेसी से बच्चा चाहते हैं। मिमी 20 लाख रुपए के बदले सैरोगेट माँ बनने के लिए तैयार भी हो जाती है। वहीं घर वालों से मिमी ये झूठ बोलती है कि उसे फिल्मों में काम मिल गया है। और फिर प्रेग्नेंट मिमी अपनी सहेली शमा यानी कि साई तमनाकर के घर जाकर रहने लगती है। और इसी बीच मिमी के होने वाले बच्चे की जांच होती है तो ये पता चलता है कि उसे डाउन सिंड्रोम बीमारी है। और फिर अमेरिकन कपल प्रेग्नेंट मिमी को अबॉर्शन के लिए कहकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। अब पूरे शहर को ये बात पता चल जाता है कि मिमी प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। वहीं मिमी ये फैसला लेती है कि वो बच्चे को अपनी कोख में नहीं मारेगी, बल्कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी। वहीं जब उसके माता पिता रोने धोने लगते हैं तो वो बच्चे का पिता भानु को बता देती है। और इसी बीच मिमी माँ बनती है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और गोरा पैदा होता है। अब इससे भी खूब कहानियां बनने लगती हैं। और इसी बीच भानु की असली बीवी भी सामने आ जाती है और मिमी को ये सच बताना पड़ता है कि वो आखिर माँ कैसे बनी। वहीं राजस्थान के होटलों में लोक नृत्य करने वाली मिमी का उसके बेटे के साथ वीडियो फेसबुक पर देखकर अमेरिकन कपल वापस राजस्थान आ जाते हैं। जिस बच्चे को उन्होंने कोख में ही मार देने को कहा था, अब वो बच्चा उन्हें वापस चाहिए। बच्चे को लेने के लिए अमेरिकन कपल कोर्ट जाने की भी धमकी देते हैं, लेकिन क्या मिमी अपने बेटे को वापस दे देगी? अब ये जानने के लिए जाइए और ओटीटी पर इस फिल्म का आनंद लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसी है ये फिल्म। देखिए मिमी फिल्म में कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी की बेहतरीन एक्टिंग, कॉमेडी और ढेर सारा इमोशन है। वैसे फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। फिल्म में प्यार मोहब्बत और रोमांटिक गाने तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी। सैरोगेसी पर बनी इस मजेदार फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले रोहन शंकर के साथ मिलकर लिखी है। वहीं रोहन के लिखे डायलॉग्स काफी बढ़िया है। वहीं इस फिल्म के निर्देश विजन और जियो स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। आकाश अग्रवाल की सिनेमेग्राफी में काफी फिल्म अच्छी बनी है ये। राजस्थान के एक छोटे शहर को उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया है। अब जरा बात कर ले कलाकारों की एक्टिंग की,
देखिए पंकज त्रिपाठी किसी भी फिल्म में होते हैं तो दर्शकों का ध्यान तो अपने तरफ खींच ही लेते हैं। उनकी एक्टिंग के बारे में तो क्या ही कहना, बस सुपर से बहुत ऊपर की होती है पंकज की एक्टिंग। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उनकी एक्टिंग मिमी में भी लाजवाब है। वही बात करें फीमेल लीड की तो भाई इसमें तो दो राय नहीं कि मारी छोरिया छोरों से कम है। अरे मतलब महिला शक्ति कहाँ पीछे, फिल्म में कृति सैनन भी उनके मुकाबले कमजोर नहीं पड़ी। वाकई कृति की एक्टिंग काबिले तारीफ है। अब अगर बात करें फिल्म के रिव्यू की तो फिल्म का प्लॉट काफी अच्छा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, कहानी तुरंत ही ट्रैक पर आ जाती है और वहीं पंकज त्रिपाठी के कुछ कॉमिक सीन भी अच्छे बने हैं। मिमी के किरदार में कृति सैनन काफी अच्छी लगी हैं, वहीं फिल्म में कृति के कुछ सीन बहुत जानदार हैं। और ये बात भी मानने वाली है कि कृति सैनन ने फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन अगर स्क्रीन प्ले ही कमजोर हो तो कलाकार कुछ भी नहीं कर सकता है। कृति और पंकज के अलावा इस फिल्म में मनोज पहवा, सुप्रिया पाठक और सई तमनाकर सपोर्टिंग रोल में हैं और सभी ने अपने किरदारों को भरपूर जिया है। मिमी के रोल में कृति की धमाकेदार एंट्री होती है। उन पर फिल्माया गया परम सुंदरी गाना पहले ही काफी हिट हो चुका है। एक्टिंग की बात की जाए तो कोई कलाकार कम नहीं है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन थोड़ी सी लचर है। देखिए वैसे तो बॉलीवुड में कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के सक्सेस की 100% गारंटी मानी जाती है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि ऐसी फिल्मों को हर एज ग्रुप के लोग देखना पसंद करते हैं। अब ऐसे में अगर साथ में कॉलेज की लव स्टोरी भी देखने को मिले तो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कॉलेज लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी से सजी फिल्म 14 फेरे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, फिल्म में पहली बार विक्रांत मैसी और कृति खरबंदा की जोड़ी नजर आ रही है। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी। दिल्ली के कॉलेज में साथ पढ़ने वाले संजय लाल सिंह यानी कि विक्रांत मैसी और अदिति कड़वासरा यानी कि कृति खरबंदा एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की अच्छी नौकरी भी लग जाती है, लेकिन दोनों के परिवार बहुत ही स्ट्रिक्ट और जातिवाद विचारों के हैं। जब संजय और अदिति शादी करने के बारे में सोचते हैं तो परेशानी यहाँ आती है कि संजय तो बिहार का राजपूत है और अदिति राजस्थान के जयपुर के एक जाट परिवार की लड़की है। बस फिर वही बात आ जाती है, आई एम सॉरी बाबू, पापा नहीं मानेंगे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन आता है। दोनों के परिवार शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन भैया ये 21वीं सदी के प्रेमी है, इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। तो फिर सुनिए इनकी आगे की प्लानिंग। अब ये दोनों कपल एक दूसरे से शादी करने के लिए 2 शादियों का प्लान बनाते हैं और फिर इस प्लान में खूब सारे ट्विस्ट भी आते हैं। फिल्म का टाइटल यहाँ पर तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, अजी नहीं समझे तो समझ लीजिए, क्योंकि इसलिए तो फिल्म का नाम है 14 फेरे। अब अगर बात करें फिल्म के रिव्यू की तो फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है और ऐसा लगता है कि ये प्रियदर्शन की कोई फिल्म का प्लॉट है। शुरू होते ही फिल्म अपना ट्रैक पकड़ लेती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कहानी थोड़ी कमजोर होती जाती है। घर के पुरानी दादी अम्मा की तरह आपको पहले ही पता चलने लगता है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। डायरेक्टर देवांशु सिंह ने समाज की कई समस्याओं जैसे जातिवाद, ऑनर किलिंग और दहेज को एक ही कहानी में सोशल कॉमेडी के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश की है। नो डाउट उनकी ये कोशिश काफी अच्छी है और फिल्म का प्लॉट भी मजबूत है। ऐसे मुद्दों पर दर्शक एक मजबूत स्क्रीन पे वाली फिल्म जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन डायरेक्टर इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं। फिल्म की शुरुआत तो काफी अच्छी होती है, लेकिन फिल्म का अंत काफी ढीला हो गया है।
वैसे इस फिल्म के डायलॉग्स में भी कोई पंचलाइन नहीं है जिसकी उम्मीद की जाए। डायलॉग्स बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं जो फिल्म के बाद आपको याद नहीं रहेंगे। सही मायने में कहे तो खराब स्क्रीन प्ले के कारण एक अच्छी शादी, फैमिली और कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म जिसे पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है, बनते बनते बस रह गई। देखिए, वैसे तो विक्रांत मैसी को एक अच्छे एक्टर के तौर पर जाना जाता है और इस फिल्म में भी विक्रांत ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। विक्रांत फिल्म में बिहारी बाबू बने हैं और अपने बिहारी लड़के के किरदार में भी विक्रांत काफी सहज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कृति खरबंदा का स्क्रीन प्रेजेंस गजब का है और वो फिल्म में बेहद खूबसूरत लग रही है। देखिए, वैसे तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक थिएटर से जहां संजय लाल सिंह यानी कि विक्रांत मैसी और जुबीना यानी कि गौहर खान अपने एक स्टेज शो का अभ्यास कर रहे होते हैं। अब इसी बीच संजय उर्फ संजू को एक फोन आता है और वो थिएटर से एक्टिंग छोड़कर तुरंत घर पहुंच जाता है और घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके परिवार ने उसके लिए एक लड़की देखी है और उसी से वो वीडियो कॉल पर बात करनी होती है। घर में घुसते ही दिखती है अदिति यानी कृति खरबंदा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अदिति संजू के घर में क्या कर रही है, तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल बिहार का रहने वाला संजू दिल्ली पढ़ने आता है। यहाँ कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है जयपुर की रहने वाली अदिति से। अदिति संजू की सीनियर होती है लेकिन रैगिंग के चक्कर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। पहले इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर प्यार में ये दोस्ती बदल जाती है, फिर संजू और अदिति लिव इन में भी रहने लगते हैं। चलिए फ्लैशबैक से वापस लौटते हैं। अब इसी बीच संजू अपने घर वापस जाता है। वो सोचता है कि परिवार को अदिति के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन यहाँ आता है कहानी में फिर से ट्विस्ट। संजू की बहन दूसरी जात के लड़के के साथ भाग जाती है जिसके कारण उसका परिवार उसको सबक सिखाने के लिए उसकी तलाश में जुटा होता है। यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि परिवार कैसा है, जो सिर्फ अपनी जात बिरादरी में शादी करने वाली सोच रखता है। अब कुछ ऐसा ही परिवार कृति का भी है जो फिल्म में एक जाट परिवार की बेटी दिखाई गई है। कृति का परिवार भी दूसरी जाति में शादी करने की बात को समाज में कलंक मानता है। खैर, वापस संजू के परिवार पर लौटते हैं। संजू अदिति के बारे में घर में सब कुछ तो बता देता है लेकिन ये नहीं बताता कि वो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक रखती है। अब संजू फंस जाता है। वो वापस दिल्ली लौटकर सारी बातें अदिति को बताता है। दोनों इस परेशानी में बैठे होते हैं कि आखिर दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जीवन भर जिंदगी बताएंगे। अब इसी बीच संजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये आइडिया संजू और आदू की शादी तो करा देगा लेकिन 7 फेरे 14 फेरों में कैसे बदलते हैं और अब इस आइडिया के चलते इन दोनों की जिंदगी में क्या भूचाल आता है, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में गौहर खान का किरदार छोटा है लेकिन वो इसमें काफी जची हैं। बाकी किरदार काफी छोटे हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाएं ठीक ठाक निभाई है। अगर आप फैमिली ड्रामा और शादी की फिल्मों के शौकीन हैं तो पूरे परिवार के साथ इस साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म को आप जरूर देख सकते हैं। बॉलीवुड गपशप के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप देखना चाहते हैं किसी और फिल्म का रिव्यू तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए और संडे एंजॉय कीजिए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।